प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम आवास पर डेंगू और कोरोना को लेकर बैठक, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रायबरेली में स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल, खंडहर में तब्दील हुआ स्वास्थ्य केंद्र। औरैया में उप जिलाधिकारी ने सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए आदेश। रायबरेली में महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। फरीदाबाद में क्राइम टीम को मिली सफलता, एटीएम ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। देश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी ने अपने आवास पर टीम के साथ समीक्षा बैठक की। डेंगू और कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीएम ने बैठक की थी। सीएम ने बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिए। हर जिले में डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे और डेंगू रोकथाम के लिए सर्विलांस भी तैयार किए जाएंगे। खबर बुलंदशहर से है, जहां राज्य मंत्री संजीव गोयल का शहर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी का चेयरमैन ही शहर का विकास करने में अहम योगदान होगा। इस मौके पर चेयरमैन के भावी प्रत्याशी पंकज शर्मा ने अंग वस्त्र और फूलमाला देकर उनका भव्य स्वागत किया। औरैया में एरवा कटरा थाने में थाना दिवस आयोजित किया गया। आपको बता दें कि थाना दिवस पर विदुना के उप जिलाधिकारी न्यायिक राम आतोर वर्मा और थानाध्यक्ष राम सहाय पटेल ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी। ये सभी शिकायतें राजस्व विवाद से संबंधित आई, जिसके बाद 5 शिकायतों का मौके पर टीम को भेजकर निस्तारण कराया गया, जबकि 4 शिकायतों के जांच कर निस्तारण करने का आदेश उप जिलाधिकारी ने राजस्व और चकबंदी टीम को दिए। रायबरेली में लाखों की लागत से बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, लेकिन वो बेअसर साबित हुआ। खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर थाने में समाधान दिवस पर डीएम और एसपी ने जन सुनवाई की। थाने में समस्या लेकर आए 8 फरियादियों को शिकायत दर्ज करा, त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कितने मामले, कितने मामलों का निस्तारण किया गया? आज थाना सुमेरपुर पर समाधान दिवस है। पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर समस्याओं को सुना गया और हमारे समक्ष 8 लोगों के प्रार्थना पत्र आए, जिनमें लेखपाल को और संबंधित हल्का इंचार्ज को बुलाकर प्रकरण को सुना गया और मौके पर जांच हेतु निर्देशित किया गया है और सभी प्रकरणों का निस्तारण कराया गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां स्टेट क्राइम टीम ने एटीएम की ठगी करने वाले गिरोह को मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य 3 सदस्य पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड भेजा गया, जिससे अन्य सभी वारदातों का भी खुलासा हो सके। किस मामले में ये आरोपी जी एटीएम फ्रॉड करने वाला है, ये
इनका पूरा गैंग था, जिसमें से हमने तीन एक्यूज पहले अरेस्ट किए थे जी। इन्हीं के एक गैंग के थे वो, और ये उनका मुख्य सरगना था, जो उनका हेड था। इनका डेली का रूटीन था भाई अलवर, फरीदाबाद और अपने आसपास के एरिया में डेली जाके इधर उधर एक एक तोड़ के वारदात करते, लोगों को, जो बुजुर्ग लोग होते, जो महिला, जो अनजान बच्चे होते, उनसे अपना बहके कि जी हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे करके कार्ड चेंज कर लेना, और फिर उनका। हरदोई में सड़क किनारे नाला बनाने की जगह रंगोली मंडप के बाउंड्री वॉल के अंदर से नाला निकाला गया, जो कि मकान के लॉन से होता हुआ मील के अंदर से और कार शोरूम को पार करता हुआ सड़क के किनारे पहुंचता है। ताज्जुब तो तब हुआ जब प्रशासन ने यहां नाले का निर्माण करा दिया। बता दें कि जिला पंचायत इस नाले को बनवा रहा था। हरदोई में गहोरा गांव में रास्ते के निकास को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई। दोनों पक्षों से दो लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। दो पक्षों में मारपीट हो रही है, वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? ये गहोरा एक गांव है शाहबाद में, वहाँ पे रास्ते को लेके, गली को आने जाने को लेके झगड़ा हुआ था दो पक्षों में, जिसमें मारपीट हुई है और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ईंट पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से NCR पंजीकृत किया गया है और एक एक लोग दोनों तरफ से घायल है। इसमें आवश्यक जाँच करके कार्रवाई की जा रही है। खबर अमेठी से है, जहां पुलिस अधीक्षक इल्मारन निजामो थाना से जन समस्याओं के संबंध में सुनवाई की। इस मौके पर दूरदराज गांव से आने वाले फरियादियों की समस्या के त्वरित निस्तारण के आदेश भी जारी किए गए हैं। आज मेरे द्वारा थाना जामो में थाना दिवस में पब्लिक को सुनवाई किया है। सुनवाई के दौरान 12 एप्लीकेशन रिसीव किया है, इसमें 12 का 12 है जमीन का विवाद संबंधित है। इसलिए मैंने संयुक्त टीम पुलिस का और राजस्व विभाग का बना के आज ही इसको मौके पर जाके निस्तारण करने के लिए आदेश किया है। रायबरेली में एक शर्मसार घटना सामने आई है। पूरा मामला गुरकवगंज थाना क्षेत्र के मुकरेली हाजीपुर का है, जहाँ कुछ दिन पहले मेला देखने गई महिला के साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी की। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ जब महिला ने शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस ने महिला की एक ना सुनी। हम बच्चे लेके गए बसापर की बाजार में हटिया दिखाने, फिर क्या हुआ? फिर इसमें ये आदमी हमारे साथ धक्का मार के हमें गिरा दिया। गिरा के हम जब मुँह भरा, तीनों बच्चे, दोनों बच्चे लेके तीनों जने हम लोग गिर गए, तो सारे लोग उठा के ये उससे मार पिटाई करने लगा। तो लोगों लोग, ये जो लोग एप्लीकेशन देने, इनको क्या हुआ है? ये सारे लोगों को, ये सारे कोई ऐसे फंसा रहे हैं। कप्तान साहब सारे से कोई हुई? पूरी बाजार हमारे कप्तान साहब से मुलाकात हुई है? कप्तान साहब से नहीं भाई। फतेहपुर के जिला अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा विकास समिति की अगुवाई में अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। आपको बता दें कि युवा विकास समिति ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाई लिखते हैं, डॉक्टर के चेंबर में दलालों का जमावड़ा लगा है, जो दिन भर मरीजों से सुविधा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ये अनशन जारी रहेगा और आगे भूख हड़ताल की भी की जाएगी। कल से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जिला अस्पताल की अनियमितता को लेकर के, यहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के प्रमुख 6 मांगों के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगभग 48 घंटे पूरे होने वाले हैं, अभी तक किसी प्रकार का कोई भी जो है प्रशासन नहीं आया हुआ है और हम निरंतर एक वर्षों से जिला अस्पताल की समस्याओं को उठाते रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। प्रमुख मांग ये है कि सबसे पहले तो अंदर से जो भी डॉक्टर दवा लिखता है उनको बाहर से न मंगवाई जाए, जिला अस्पताल के अंदर ही मुहैया करवाया जाए।
खबर औरैया जिले से है, जहां गुजरात में हुए पुल हादसे से सबक लेते हुए औरैया जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त हुए यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत को लेकर कार्य योजना के चलते भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने एआरटीओ समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के बाद एआरटीओ विनय पांडे और सीईओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने यमुना नदी पुल का निरीक्षण किया। निश्चित है कि पुल की स्थिति थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गई है, अब ये मरम्मत की जरूरत है। बाकी इसके तकनीकी विषय है, इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएगा। हम लोग तो ऊपरी तौर पे ये देखते हैं कि ये चलायमान है या नहीं है, चलने की स्थिति में कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो गड्ढे आए हैं और ये जर्जर स्थिति में है, इसका निर्माण के लिए जरूरी है। खबर राय बरेली से है, जहां जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डेंगू मरीजों और उनके परिवार के साथ बातचीत कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के वार्ड बढ़ाने की डॉक्टरों को सलाह दी गई। एलिसा टेस्ट की संख्या बढ़ाने के समय से पहले रिपोर्ट देने और मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने के भी आदेश दिए हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।